डीएमएसपी ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील। फरुखाबाद, जिलाधिकारी संजय सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने शहर के लाल गेट से लेकर थाना मऊ दरवाजा तक सोमवार देर शाम पैदल गश्त की, जिसमें सीओ सिटी प्रदीप सिंह, शहर कोतवाल फरुखाबाद विनोद कुमार शुक्ला, मऊ दरवाजा थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ आगामी ईद समेत भगवान परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया को लेकर के जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। विगत दो साल से लगातार कोविड-19 की वजह से लोग त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में कोविड-19 के नियमों के सख्त पालन के साथ साथ त्यौहार मनाने की जो छूट मिली है उसको लेकर के पूरी तरीके से जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने ईद व अक्षय तृतीया समेत भगवान परशुराम जयंती को लेकर अपनी रणनीति पहले ही बना ली है। पीस कमेटी की बैठक में सभी धर्मों के लोगों को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील के साथ साथ अगर किसी ने भी त्यौहार के रंग में भंग डालने की कोशिश या प्रयास किया तो खैर नहीं होगी, त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। साथ ही अगर किसी ने सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों को ताकीद कर दिया गया है कि सभी ईदगाह को वहाँ जहाँ जहाँ पर भी रैली निकलेगी उन सभी स्थानों की साफ़ सफाई बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर सभी धर्मों व वर्गों के लोगों से त्यौहार शांतिपूर्वक व सौहार्दपूर्वक मनाने के लिए ही साथ साथ जितने भी जनपद में ईदगाह हैं वहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की भी बात कही है, जिससे कि कहीं भी त्योहारों के रंग में भंग ना टल पाए और आपसी सौहार्द को बिगाड़ ना पाए। दो साल बाद मनाए जा रहे त्योहारों को लेकर के जहां जनता में उत्सुकता है वहीं पुलिस प्रशासन भी जिला प्रशासन के साथ मुस्तैद है। सभी लोग आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं। आज किस तरीके का आपने फ्लैग मार्च किया? प्रशासन के दिशा निर्देश, जनपद के जितने भी अधिकारी हैं फ्लैग मार्च कर रहे हैं, साथ ही साथ के क्रम में डी एम साहब हम और हमारे जितने अन्य अधिकारी हैं अपने एरिया के अंदर हम फ्लैग मार्च करते हैं और रोज ही करते हैं, डेली करते हैं, जिससे एक सुरक्षा का वातावरण रहे। साथ ही साथ कल ईद और आपसे परशुराम जयंती, इसके संबंध में सारे सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं, सभी धर्मगुरुओं से मीटिंग की जा सकती है और सभी जगह शांति व्यवस्था है, कहीं कोई इशू नहीं है और सब कुछ संबंध करवाया जाए। ठीक है।